हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल अनज्ञान हिंदी में। दोस्तों, इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ट्रेन जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन और इंडियन रेलवे जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और ट्रेन से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर पूछ सकते हो। दोस्तों, आप ट्विटर पर भी फॉलो कर लें, इनके लिए मेरा और एक चैनल है इंडियन ब्लॉगर एम कुमार, जिन पर मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाता हूँ, आप चाहो तो उन्हें विजिट कर सकते हो, लिंक के नीचे है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 059904 और ट्रेन नंबर 059903 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ और डिब्रूगढ़ चंडीगढ़। जी हाँ दोस्तों, जो कि दोस्तों लॉकडाउन में इस ट्रेन को बंद कर दी गई थी, पर दोस्तों अब ये ट्रेन फिर से शुरू हो चुकी है, जो कि दोस्तों अब ये ट्रेन 7 जुलाई से चलने वाली है। तो आज मैं इस ट्रेन की आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि चंडीगढ़ से कौन से दिन प्रस्थान करती है, डिब्रूगढ़ से कौन से दिन प्रस्थान करती है, कितना किराया है, किस रूट पर चलती है, कितना टाइम लेती है, वो मैं सारी जानकारी इस ट्रेन की आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अभी हम शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेन नंबर 059904 COVID-19 स्पेशल चंडीगढ़ डिब्रूगढ़, जो कि दोस्तों 7 जुलाई से चंडीगढ़ से एवरी वेडनेसडे को 23:20 पर रात में प्रस्थान करेगी, और चौथे दिन दोस्तों 7:55 पर डिब्रूगढ़ पहुंच जाएगी। और दोस्तों, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के बीच इस ट्रेन की कुल 33 स्टॉप है। बात करें इसके रूट की, तो दोस्तों ये ट्रेन वाया अंबाला कैंट, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, छपरा, समस्तीपुर, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी और न्यू तिनसुकिया होते हुए डिब्रूगढ़ पहुँचेगी। अब दोस्तों बात करें इस ट्रेन की, तो दोस्तों ये ट्रेन कुल डिस्टेंस कवर करती है 2661 किलोमीटर की दूरी 56:35 में तय करती है, विथ एवरेज स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर। बात करें इस ट्रेन में कोचेस की, तो दोस्तों इस ट्रेन में आपको 4 प्रकार की कोचेस मिलेंगी, सेकंड सीटिंग, स्लीपर क्लास, थर्ड एसी और सेकंड एसी। बात करें फेयर की, तो दोस्तों फेयर में सेकंड सीटिंग में पर पर्सन 550 रुपये, स्लीपर क्लास पर पर्सन 880 रुपये, थर्ड एसी पर पर्सन 2310 रुपये और सेकंड एसी पर पर्सन 3390 रुपये। और दोस्तों, वापसी में ये ट्रेन फिर डिब्रूगढ़ से चंडीगढ़ के लिए एवरी मंडे को 8:05 पर प्रस्थान करती है, और तीसरे दिन 13:20 पर चंडीगढ़ पहुँच जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस ट्रेन की कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कोई राय हो इस विषय में तो आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। और दोस्तों, इंडियन रेलवे से अपडेट से और ट्रेन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर से ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वहाँ दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट्स आती है, मैं वहाँ दोस्तों इंस्टाग्राम पर हर इंडियन रेलवे की अपडेट्स दोस्तों करता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।